नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम मौजूद हैं एनके बगरोदिया स्कूल सेक्टर 4 द्वारका में, जो कि कोविड के बाद दोबारा से स्कूल्स में जो बच्चों का आवागमन है शुरू हो गया है। बच्चे नॉर्मली क्लासेस में आने लगे हैं और जो इवेंट्स होते हैं स्कूल में, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी भी शुरुआत हो चुकी है। तो इस स्कूल में आज 14 जुलाई 2022 को फ्रेंच डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। फ्रेंच डे के सेलिब्रेशन में काफ़ी बच्चे मौजूद हैं, उनके ऑडिटोरियम में ये सब कुछ हो रहा है ग्राउंड फ्लोर पे। तो चलिए बातचीत करेंगे बच्चों से कि उनको कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद एक फिज़िकल इवेंट अटेंड करके, या कैसे उन्होंने चीज़ें प्रिपेयर की हैं और वो कितने एक्साइटेड हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अंदर कैसे। तो अभी हम एनके बगरोदिया पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 द्वारका की हेड ऑफ़ द स्कूल मिस अंजलि के साथ खड़े हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि ये एक्टिविटीज़ कितने इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट की लाइफ में। हाय मैम। हेलो। अभी 2 साल के बाद स्कूल दोबारा रीओपन हुए हैं, सब कुछ नॉर्मल हुआ है, तो कैसा या कितना मुश्किल एक्सपीरियंस रहता है कि बच्चों को दोबारा से उन्हीं एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना? जी डेफिनेटली, सबसे पहले हमें पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को पहले हमने बताया कि किस तरह हम स्कूल में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, बच्चों को समझाया गया कि क्या चीज़ें डूज़ एंड डोंट्स अभी भी फॉलो करना है। बट डेफिनेटली बच्चे आज बहुत खुश हैं, इतने दिन बाद आज बैठ के ऐसा एक फंक्शन इंजॉय कर रहे हैं। और फ्रेंच डे एक ऐसा इवेंट है जो हम बहुत सालों से अपने स्कूल में मना रहे हैं, और पैंडेमिक से पहले हमारे स्कूल के बच्चे फ्रांस जाते भी थे, प्रॉपर एक्सचेंज प्रोग्राम होता था पैंडेमिक से पहले। सो होपफुली इफ़ द थिंग्स गो राइट, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर विल रीस्टार्ट अगेन। इंडिया का कल्चर ऑलरेडी बहुत रिच है, वो हम सबको पता है, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जो बाकी देश के कल्चर्स हैं उनको हम अडेप्ट करें या उनके साथ एक इंगेजिंग एनवायरनमेंट बनाएं? जी, आजकल जो इवन हमारा NEP भी इस बात पे फोकस करता है कि बच्चों की कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, बच्चों को एक इंटरनेशनल ग्लोबल डायमेंशन देना है, क्योंकि आजकल जो बच्चे करियर्स में जा रहे हैं वो उनको हर डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में लेकर जाता है। सो वो एक अंडरस्टैंडिंग बच्चों के माइंड में बहुत ज़रूरी है कि बाकी कल्चर्स कैसे वर्क करते हैं। हमें चेंज नहीं करना है अपने आप को, हमें उनकी बेस्ट चीज़ों को देख के हमें अप्रिशिएट करना है। तो डेफिनेटली हमारा एक माइंड जो है एक टॉलरेंस डेवलप करता है, एक एक्सेप्टेंस डेवलप करता है, और एक ग्लोबल डायमेंशन इस बात के लिए हमें प्रिपेयर करता है कि फ्यूचर में कोई भी चेंज आए हमें उसको अडॉप्ट करना है अपने आप को। थैंक यू, लेट्स एंजॉय द इवेंट फर्स्ट। You can see the population over here. The children are so excited. They have made so many things just because of the French Day. So let's ask them what they're doing. What's your name? I'm Manat. Yeah, so what have you prepared for this? Actually, we have prepared vegan eclairs. That is basically a French originated dish, and it's filled with custard inside and glazed with chocolate ganache, yeah, and some white chocolate. Okay. And we have basically tried it vegan because of the Indian culture. We do not prefer bringing eggs to school. So we have went for vegan. आप कितने दिन से एक्साइटेड थे ये सब कुछ बनाने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए? सिंस वी गेट द न्यूज़ दैट वी आर गोना सेलिब्रेट दिस, सो वी वर एक्साइटेड फ्रॉम देन ओनली एंड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग। वी हैव प्रिपेयर्ड अ क्रोसां, अ चॉकलेट क्रोसां एंड बटर क्रोसां। आप कितने दिन से सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हो? आई एम फ्रॉम 2 डेज। अभी कैसे? ओके, यू आर फ्रॉम डिफरेंट टीम, सो व्हाट आर यू गाइस? वी आर जस्ट This is the chocolate croissant and this is the butter croissant, and like we are preparing it since May, I guess. We were planning to make it since May. तो अभी कैसे आपको पता चला था कि आप फ्रेंच डे सेलिब्रेट करने वाले हैं आफ्टर कोविड, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के बाद कैसा लग रहा है इस इवेंट? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत मतलब अलग फीलिंग आ रही थी, क्योंकि 2 साल तक हम घर पे बैठ के वी अटेंडेड द क्लास and now we are feeling good. We have made gâteau aux fruits. That is a fruit cake. Basically we have used pear in this cake. Caramelized pear. So अभी जो चल रहा है पूरा इवेंट चल रहा है, आप लोग यहाँ खड़े हैं, बाकी सब बैठे हैं, कैसा स्पेशल फील हो रहा है? Feeling nice as being the host of such a event, such a international event. So we'll show you what is going on in the event.
चीफ गेस्ट हमारे यहाँ मौजूद है, स्टीफन अलीमीर हमारे चीफ गेस्ट हैं। यहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित हो रहा है, आपको हम आगे लेकर चलते हैं। पहले एक टीम से भी बात कर लेते हैं। ये क्रेप्स है, नोन एज क्रेप्स इन फ्रेंच, और ये पैनकेक्स होते हैं, सोवेरी पैनकेक्स मेड विथ फ्लावर एंड मिल्क। तो कितने दिन से आप ये सब कुछ प्रिपेयर कर रहे थे? हम चारों ने तो कल दो दिन से किया है, बट हम दोनों 2 महीने से लगे हुए थे इस पे। तो अभी 2 महीने से आप लगे हुए थे, रिजल्ट कैसा लगा आपको इन सब चीज़ों का? जो आपने सोचा था वैसे ही बने? यस मैम। अभी 2 साल के बाद ये एक्टिविटी हो रही है, तो कुछ अलग लगा था कि स्कूल में? सीरियसली पहली बार हमने स्कूल में इतना सब कुछ करा, जब पहले हम छोटे बच्चे थे तब हम इतना कर नहीं पाते थे, अब हम बड़े हो गए तो हमें ज़्यादा फ्रीडम मिली है, हम ज़्यादा कर। व्हाट आर यू गाइस डूइंग हियर फॉर द डे? मैम वी ऑल हैव क्रिएटेड द थिंग्स ओवर द टेबल व्हिच आर द डेकोरेशन ऑफ आवर सिविलाइजेशन ऑफ द फ्रांस, वी हैव प्रेजेंटेड मॉन्यूमेंट्स, कुजींस, famous friends personalities and many more. Hope you like it. See, please have a look. Let's show them. So that's the thing they have made. It's the Friends Day, so they have made everything related to the Friends culture and everything. So how have you made them? We have made many posters, we researched on the culture and civilization, and then we made them. कितना टाइम लगा सब कुछ बनाने में या सब कुछ प्रिपेयर करने में? अ लॉट ऑफ टाइम इट टुक। आज का दिन कैसा जा रहा है, कैसा सेलिब्रेशन आपको लग रहा है? इट इज़ गोइंग लाइक वेरी नाइस एंड वेरी स्पेशल डे फॉर अस बिकॉज वी आर लर्निंग फ्रेंच एंड लाइक द चीफ गेस्ट आल्सो हैज बीन कम, सो इट्स नाइस। माय नेम इज याशिका। व्हाट हैव यू मेड फॉर द डे? We have made culture and civilization, some personalities, famous personalities of France, monuments and cuisines. That's yours? Okay. You guys are a team. No, we are not a team. There are two persons for each of the board, and me and this is my partner. We have made that board. That is the board for everything of the culture of the France. Okay. So, आप लोगों को कितना टाइम लगा सब कुछ प्रिपेयर करने में? We had minimum time. We had minimum time, so we had to prepare it one day, and we tried our best to make it better. Actually, this hard work has resulted like this. Ma'am, I'm really happy that this has this, and ma'am, may this event may inspire many French youths who just want to go away from the French. Yes. Do you guys love learning French? Yes. Now, learning French becomes an interesting thing. Okay, so you guys think French is an interesting language? Yes, ma'am. हमने एक कॉलीफ्लावर और ग्रोटन, ये एक डिश है जिसमें हम चीज़ और कॉलीफ्लावर का मिक्सचर करके और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के एक हेल्दी डिश बनाते हैं। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनमें लाइक प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन B6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, और इसके इंग्रेडिएंट्स में कैरेट, कॉलीफ्लावर, मोज़रेला चीज़, और ये इसमें दूध वगैरह वो सब भी डलता है, एक वाइट सॉस बनती है, और हम लोग इन सब को फ्राई करके उसमें डाल देते हैं। यू हैव मेड दिस? ओके। वी हैव प्रिपेयर्ड राटाटुइल एंड इट इज़ फेमस इन फ्रांस फॉर इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू एंड फॉर इट्स टेस्ट। आप लोगों ने कितना मेहनत की इस चीज़ पे, कितना टाइम लगाया इस चीज़ को? फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस इट टुक 2 आवर्स। हाय गाइस। हेलो। क्या बनाया आप सब लोगों ने मिलके? आई हैव वी बोथ हैव मेड दिस ब्रूशेटा। ओके। डिश किसने बनाई है? माय मदर एंड मी टुगेदर। वी बोथ हैव मेड चॉकलेट सफल व्हिच इज कॉल्ड कपकेक इन इंडिया। And it's a very delicious dish, and it's very delicious, and it's have many benefits also. Okay, that's nice. That's very good. What about you? We have made croissant. What is that? It is a type of sweet which we also eat in breakfast. It is of 3 types: it plain and sweet and vegetable. That's very nice. Hi guys. Hi. What's your name? Vanshika. What have you made? Bruschetta. What is that? This is a bread pizza which contains beans, basil leaves, tomatoes, cheese, and many. You have made this? Yes.
She made this. You guys are a team. That's really nice. So that's it. जो ये बच्चे हैं इन्होंने फ्रेंच से रिलेटेड इतनी रिसर्च की होगी, इतनी बातें जानी होगी, इतनी चीज़ों पे महत्व दिया होगा, तभी इन सब लोगों ने इतनी रिसर्च करके सब कुछ बना पाए हैं। अभी भी ये कार्यक्रम चल ही रहा है, लगता है काफ़ी लंबा चलेगा। दिखाते रहेंगे कि कैसे इनके बगरोदिया स्कूल सेक्टर 4 द्वारका इन सब चीज़ों को आगे बढ़ावा देता है और बच्चों को एक्टिविटीज़ में लीन करता है।